तो गाइस क्या आप लोगों को पता है हमारे गेम के अंदर आने वाले OB36 अपडेट के बाद जब आप लोग हमारे गेम के अंदर लॉगिन करोगे तो आप लोगों को फ्री में मिलेंगे लेजेंडरी गन स्किन, साथ ही साथ गाइस OP से बंडल भी मिलेंगे एंड और भी बहुत सारी चीजें मिलेंगी। बस यार आप लोगों को लॉगिन ही करना है और ये सब आप लोग फ्री में क्लेम कर पाओगे। तो गाइस देखो आप लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आज मैं आप लोगों को बताऊंगा हम लोगों को लॉगिन में कौन से आइटम एग्जैक्टली फ्री मिलेंगे। बस गाइस आप लोग वीडियो को पूरा ध्यान से पूरा एंड तक देखो, आप लोगों को फ्री रिवॉर्ड्स का सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। और साथ ही साथ गाइस आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हमारे गेम के अंदर आने वाले और भी कमाल के अपकमिंग अपडेट्स और इवेंट्स के बारे में। जैसे कि गाइस हम लोग बात करेंगे हमारे पिंक डायमंड स्टोर की वेव 3 के बारे में, जो अभी हमारे गेम के अंदर पिंक डायमंड का वेव 2 चल रहा है उसका स्टोर हमारे गेम से रिमूव होने वाला है। तो अब हम लोगों को कब हमारे गेम के अंदर नया पिंक डायमंड स्टोर देखने को मिलेगा और उसके अंदर आप लोगों को क्या कुछ नए आइटम देखने को मिलेंगे, सब कुछ आज आप लोगों को बताऊंगा। अब गाइस देखो ऐसे ही काफी सारे और भी छोटे बड़े अपडेट्स हैं जिनका इन्फॉर्मेशन आज मैं आप लोगों को देने वाला हूं। तो आप सभी लोग वीडियो को पूरा ध्यान से पूरा एंड तक देखना, आज के वीडियो में आप लोगों को बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है। तो चलो गाइस आप लोगों का ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग इस कमाल के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हमारे गेम के अंदर आने वाले नेक्स्ट ईवो गन के बारे में। तो देखो गाइस बहुत सारे बंदे अभी के टाइम पे बोल रहे हैं कि हमारे गेम के अंदर जो आने वाला नेक्स्ट ईवो गन है वो ये स्कार का स्किन रहने वाला है। तो गाइस मैं आप लोगों को बता दूं अभी तो ये स्कार का स्किन अच्छी से बना भी नहीं है, आप लोग खुद ही देखो ये अंडर कंस्ट्रक्शन है जस्ट गाइस, क्योंकि हम लोगों को इसके एट्रीब्यूट सीख रहे हैं तो इसीलिए सब लोग इसको हमारा अपकमिंग ईवो गन बता रहे हैं। मैं आप लोगों को पहले ही क्लियर कर दूं यहां पे हम लोग अपकमिंग ईवो गन की बात कर रहे हैं, ना ही ईवो गन रिटर्न के बारे में। तो गाइस जो भी है अभी मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूं कि हमारा अपकमिंग ईवो गन कौन सा रहने वाला है। तो गाइस यहां पे आप लोग स्क्रीन में देखो यही है हमारी M4A1 की ईवो गन स्किन, आप लोग इसके टोकन भी देख सकते हो। और मैं आप लोगों को बता दूं ये गन स्किन और इसके टोकन दोनों ही हमारे OB36 अपडेट की फाइल के अंदर डाल दिए गए हैं। एंड गाइस अब जो भी कुछ भी बोले आप लोगों को किसी की बातों में ध्यान नहीं देना है क्योंकि हमारा अपकमिंग जो 100% कंफर्म ईवो गन है वो ये M4A1 का ही है। अब गाइस जब मैंने आप लोगों को ये बता ही दिया कि हमारा अपकमिंग ईवो गन कौन सा है तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं कि हम लोगों को ये ईवो गन कब हमारे गेम के अंदर देखने को मिलेगा। तो गाइस देखो ये जो हमारा कमाल का M4A1 का ईवो गन है ये आप लोगों को हमारे गेम के अंदर 20 से 30 अक्टूबर के बीच में देखने को मिलेगा। एंड गाइस यार हमारी हर एक ईवो गन की तरह आप लोगों को ये वाला ईवो गन भी हमारे फिटेड व्हील इवेंट के अंदर देखने को मिलेगा, जहां पे आप लोगों को 1000 से 1200 डायमंड लगाने पड़ेंगे इस ईवो गन को लेने के लिए। तो गाइस होप करता हूँ मैंने आप लोगों को हमारे अपकमिंग ईवो गन का जितना भी इन्फॉर्मेशन दिया आप लोग सबको समझ पाए होंगे। अभी गाइस हम लोग हमारे अगले अपडेट की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे गेम के अंदर होने वाले कुछ बहुत ही कमाल के चेंजेस के बारे में। तो देखो गाइस जो हमारे ये OB36 अपडेट आने वाला है इस अपडेट के अंदर हम लोगों को हमारे गेम के अंदर 3 बड़े इवेंट देखने को मिलेंगे। पहला इवेंट है हमारा हेलोवीन इवेंट और इसके बाद गाइस हम लोगों को हमारे गेम के अंदर बुइया डे रिलॉन्च इवेंट भी देखने को मिलेगा और साथ ही साथ हमारे गेम में दिवाली इवेंट भी आएगा। और गाइस मैं आप लोगों को बता दूं हम लोगों को इन तीनों ही इवेंट में अलग अलग लॉबी और अलग अलग लोडिंग स्क्रीन देखने को मिलेगी। तो चलो गाइस मैं आप लोगों को सबसे पहले हमारी बुइया डे रिलॉन्च इवेंट स्पेशल लॉबी दिखा देता हूं। तो गाइस आप लोग स्क्रीन में देखो ये कमाल की लॉबी, जब हमारे गेम के अंदर बुइया डे का इवेंट आएगा तो आप लोगों को यही लॉबी हमारे गेम के अंदर देखने को मिलेगी। साथ ही साथ गाइस अभी आप लोग जो स्क्रीन में वॉलपेपर देख रहे हो मैं आप लोगों को बता दूं ये हमारी लोडिंग स्क्रीन का वॉलपेपर है और ये भी आप लोगों को हमारे बुइया डे इवेंट के ही टाइम पे हमारे गेम के अंदर देखने को मिलेगा। इसके बाद गाइस अभी आप लोग हमारे हेलोवीन थीम की भी लॉबी देख लो, आप लोग गाइस इस लॉबी को ध्यान से देखो, यहाँ पे हमारे कैरेक्टर के पीछे कुछ कैंडल जले हुए हैं और साथ ही साथ साइड में बहुत सारे स्कल भी हैं। एंड गाइस मैं आप लोगों को बता दूं ये हमारे हेलोवीन इवेंट की पहली लॉबी है, हम लोगों को हमारे हेलोवीन इवेंट के अंदर 2 लॉबी देखने को मिलेंगी। पहली तो गाइस आप लोग ऑलरेडी देख चुके हो, अभी मैं आप लोगों को दूसरी भी दिखा देता हूँ। तो गाइस ये जो आप लोग स्क्रीन में कमाल की हमारी लॉबी देख पा रहे हो ये हमारी हेलोवीन इवेंट की दूसरी लॉबी है, ये भी गाइस दिखने में बहुत अच्छी लग रही है। और गाइस अगर हम लोग इस वाली लॉबी के वॉलपेपर की बात करें तो इसमें हम लोगों को एक हॉन्टेड हाउस भी दिखाया गया है। तो गाइस फिलहाल जो भी है मुझे तो हमारे हेलोवीन थीम की दोनों ही लॉबी बहुत अच्छी लगी। एंड गाइस अभी आप लोग हमारे हेलोवीन थीम की लोडिंग स्क्रीन भी देख लो, ये भी काफी ज्यादा अच्छी लग रही है। तो गाइस यहाँ पे मैंने आप लोगों को हमारी बुइया डे और हेलोवीन थीम की लोडिंग स्क्रीन और लॉबी दोनों ही दिखा दी। मुझे पता है गाइस अभी आप लोग हमारे दिवाली इवेंट की लॉबी और लोडिंग स्क्रीन का इंतजार कर रहे हो, बट गाइस मैं आप लोगों को बता दूं अभी तक हमारे दिवाली इवेंट की ना ही लॉबी निकल के आई है ना ही लोडिंग स्क्रीन निकल के आ रही है, इसलिए गाइस मैं अभी आप लोगों को हमारे दिवाली इवेंट से रिलेटेड ना ही कोई लॉबी दिखा सकता हूँ ना ही कोई लोडिंग स्क्रीन दिखा सकता हूँ। पर गाइस आप लोग चिंता मत करो, हमारे OB36 अपडेट वाले दिन यानी कि 23 सितंबर को जैसे ही हम लोग हमारे गेम को अपडेट कर लेंगे उसके बाद गाइस हमारी गेम की फाइल के अंदर ऑटोमेटिक ही हमारी दिवाली इवेंट की लॉबी और लोडिंग स्क्रीन ऐड हो जाएगी। एंड देन गाइस मैं आप लोगों को उनका भी रिव्यू करवा दूंगा, बट फिलहाल गाइस हम लोग हमारी वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अभी मैं आप लोगों को हमारी कुछ प्लेन की स्किन दिखा देता हूँ। तो गाइस आप लोग हमारी पहली प्लेन की स्किन देख लो, ये देखने से ही पता चल रहा है कि हमारी हेलोवीन थीम पे डिजाइन की गई है और ये हम लोगों को हमारे गेम के अंदर हेलोवीन इवेंट के टाइम पे देखने को मिलेगी। अभी गाइस
आप लोग दूसरी स्किन भी देख लो। इसको देख के भी साफ पता चल रहा है कि ये हमारी दिवाली इवेंट पर डिजाइन की गई है और ये हम लोगों को हमारे दिवाली इवेंट के टाइम पे ही हमारे गेम के अंदर देखने को मिलेगी। तो गाइस आप लोगों को ये दोनों ही प्लेन की स्किन कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो चलो गाइस अभी हम लोग हमारे अगले अपडेट की तरफ चलते हैं और बात करते हैं हमारे पिंक डायमंड एक्सचेंज स्टोर के बारे में। तो गाइस अभी के टाइम पे जो हमारे गेम के अंदर पिंक डायमंड स्टोर अवेलेबल है, मैं आप लोगों को बता दूं वो बहुत ही जल्द खत्म होने वाला है। और जैसे गाइस एक बार हमारा इवेंट खत्म हो जाएगा उसके बाद गाइस हमारे गेम के अंदर से पूरा का पूरा पिंक डायमंड वाले सेक्शन को ही रिमूव कर दिया जाएगा। एंड मुझे पता है गाइस अभी आप लोग एक ही चीज सोच रहे होंगे कि क्या हम लोगों को आने वाले टाइम पे हमारे गेम के अंदर पिंक डायमंड का कोई नया स्टोर देखने को मिलेगा या फिर अब हमारे गेम के अंदर कभी भी पिंक डायमंड स्टोर नहीं आएगा। तो गाइस मैं आप लोगों को बता दूं जब भी हमारे गेम के अंदर से पिंक डायमंड का स्टोर हट जाएगा आप लोगों को बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि गाइस हमारे गेम के अंदर दिवाली के टाइम पे आप लोगों को वापस से हमारा पिंक डायमंड स्टोर हमारे गेम के अंदर देखने को मिलेगा। एंड गाइस जब ये दिवाली में आएगा तो इसके अंदर आप लोगों को सारे के सारे नए रिवॉर्ड्स देखने को मिलेंगे। बट देखो गाइस मैं आप लोगों को बता दूं ये जो मैं आप लोगों को स्क्रीन में वीडियो दिखा रहा हूं ये हमारे बाहर के सर्वर का वीडियो है, तो आप लोग ये मत सोचना कि एग्जैक्टली हमारे दिवाली के टाइम पे हमारे पिंक डायमंड स्टोर में यही सारी चीजें आएंगी। बट हो सकता है कि इसमें से काफी सारी चीजें आप लोगों को हमारे दिवाली के टाइम के पिंक डायमंड स्टोर के अंदर देखने को मिले। बाकी गाइस यार अभी तो हमारे पिंक डायमंड स्टोर के रिलेटेड मेरे पास इतना ही इन्फॉर्मेशन था। होप करता हूं आप लोगों को ये वाला अपडेट भी पसंद आया होगा। तो चलो गाइस अभी हम लोग हमारे अपडेट्स और इवेंट्स की दुनिया से बाहर निकलते हैं और बात करते हैं हमारे गेम के अंदर आने वाले बहुत सारे फ्री रिवॉर्ड्स के बारे में। मुझे पता है गाइस आप लोग फ्री रिवॉर्ड्स को देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो, बट गाइस यार अपनी उस एक्साइटमेंट को मेरे साथ भी शेयर करो। जल्दी से जिसने भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक करो और जो भी बंदा चैनल पे नया है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे सेट कर दो। तो देखो गाइस जैसे कि मैंने आप लोगों को वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था आज मैं आप लोगों को हमारे गेम के अंदर आने वाले लॉगिन रिवॉर्ड्स दिखाऊंगा जो कि आप लोगों को हमारे ओबी 36 अपडेट के बाद हमारे गेम के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। तो गाइस देखो हमारे ओबी अपडेट के बाद जो हमारा लॉगिन का इंटरफेस रहेगा वो कुछ इस तरीके से रहेगा। यहाँ पे गाइस ऊपर ध्यान से देखो हम लोगों को यहाँ पे दो दो करके दो बार वेपन रॉयल के वाउचर मिलने वाले हैं। फिर हम लोगों को यहाँ पे एक M249 गन का स्किन मिलेगा। एंड देन गाइस हम लोगों को मिलने वाला एक बहुत ही ओपी सा क्रेट जिसके अंदर बहुत सारे बंडल है आप लोग खुद ही देखो। इधर गाइस ऊपर की तरफ हम लोगों को तीन फीमेल के अपर देखने को मिलते हैं उसके बाद तीनों के तीनों मेल के अपर है। अब गाइस हम लोग बात कर लेते हैं कि हम लोगों को एक क्रेट ये गन का स्किन उसी के साथ साथ ये दो दो करके दो वेपन रॉयल के वाउचर कैसे मिलेंगे। तो गाइस आप लोग इन्हीं रिवॉर्ड्स के नीचे ध्यान से देखो यहाँ पे हम लोगों को कुछ पॉइंट्स करके देखने को मिलता है और जैसे जैसे गाइस हम लोग यहाँ पे पॉइंट कंप्लीट करते जाएंगे वैसे वैसे हम लोग यहाँ के रिवॉर्ड्स को क्लेम भी करते जाएंगे। अब गाइस आप लोग सबसे पहले यहाँ पे ध्यान से देखो हम लोगों को 100 पॉइंट कंप्लीट करने पर दो वेपन रॉयल के वाउचर मिलेंगे, उसके बाद 150 पॉइंट कंप्लीट करने पर दो और वेपन रॉयल के वाउचर मिलेंगे, फिर गाइस 200 पॉइंट्स पे हम लोग को M249 का स्किन मिलने वाला है और लास्ट में गाइस हम लोगों को 250 पॉइंट करने पर एक क्रेट मिलेगी जिसके अंदर बहुत सारे अपर है आप लोगों को मैंने पहले ही दिखा दिए। और गाइस अभी मुझे पता है आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग ये पॉइंट्स कैसे कंप्लीट कर पाएंगे और कैसे इन आइटम को क्लेम कर पाएंगे। तो गाइस आप लोग नीचे की तरफ ध्यान से देखो यहाँ पे हम लोगों को बेहद ही सिंपल कुछ मिशन देखने को मिल रहे हैं जिन मिशन को कंप्लीट करने पर हम लोगों को ये टोकन मिलेंगे और इन्हीं टोकन से हमारे ऊपर के जो पॉइंट्स है ये कंप्लीट होते जाएंगे। और गाइस जैसे जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होंगे वैसे वैसे आप लोग इनको क्लेम कर पाओगे। अभी गाइस आप लोगों को मैं एक और चीज दिखा दूं यहाँ पे हम लोगों को ऊपर की तरफ एक चेक इन का ऑप्शन देखने को मिलता है और गाइस यहाँ पे आप लोग जैसे ही चेक इन पे क्लिक करोगे तो आप लोगों को वहाँ से हर दिन एक नया आइटम मिलेगा। आप लोग स्क्रीन में देखो हम लोगों को डे वन में मिलेगी पोकर MP40 वो भी 7 दिनों के लिए, उसके बाद डे टू में हम लोगों को यहाँ पे एक क्रेट टाइप की मिलेगी जिसके अंदर हमारे स्कैनर बाउंटी टोकन वगैरह रहता है, फिर हम लोगों को एक डायमंड रॉयल का वाउचर मिलने वाला है। एंड गाइस इसके बाद हम लोगों को यूनिवर्सल फ्रेगमेंट मिलेंगे, उसके बाद गोल्ड रॉयल के वाउचर, देन वेपन रॉयल के वाउचर और उसके बाद फिर से हम लोगों को M249 का स्किन मिलेगा वो भी परमानेंट। तो गाइस होप करता हूं आप लोगों को हमारे ओबी अपडेट के बाद मिलने वाले सारे के सारे लॉगिन रिवॉर्ड्स का इन्फॉर्मेशन मिल चुका होगा। देखो गाइस इवेंट ज्यादा कठिन नहीं है, बहुत ही सिंपल इवेंट है, पर इस इवेंट को समझाना मेरे लिए बहुत ज्यादा कठिन हो रहा था, बट गाइस मैंने अपनी तरफ से बेस्ट ट्राई किया है। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया वीडियो में कुछ भी नया जानने को मिला तो आप सभी लोग भी यार थोड़ा सा तो मोटिवेट कर देना इस वीडियो को लाइक करके, जो भी बंदा चैनल पे नया है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना। फिलहाल गाइस हम लोग बात कर लेते हैं कि हमारे गेम के अंदर ये लॉगिन वाला इवेंट कब स्टार्ट होगा और कब हम लोग इन सारे रिवॉर्ड्स को क्लेम कर पाएंगे। तो गाइस देखो हमारे गेम के अंदर आने वाला है ओबी अपडेट 23 सितंबर को और गाइस जैसे ही हम लोग 23 सितंबर को हमारा फ्री फायर मैक्स अपडेट करने के बाद लॉगिन करेंगे तो हमारे गेम में लॉगिन इवेंट स्टार्ट हो जाएगा और उसी टाइम से आप लोग हमारे इस लॉगिन इवेंट को कंप्लीट करके सारे के सारे आइटम्स को क्लेम कर पाओगे। तो गाइस होप करता हूं कि आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा कि हमारे गेम के अंदर कब ये लॉगिन इवेंट स्टार्ट होगा। तो फिलहाल तो गाइस यार आज की वीडियो में इतना ही इन्फॉर्मेशन था, होप करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो गाइस आज के वीडियो को हम लोग यहीं पर ही एंड करते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।